ओम शांति। 29 जून 2020। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। प्रश्न। गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? उत्तर। एक, भक्ति में दान पुण्य करने से। दूसरा, ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वह हो गया हद का। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो। यह है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती। यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह बाप ने खास फरमान किया है तो वह मानना चाहिए ना? ऊंचते ऊंच बाप की श्रीमत मशहूर है। यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं। वही श्री श्री बनाते हैं श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग, अमरपुरी। महिमा के लिए नाम बहुत हैं। कहते भी हैं स्वर्ग और नरक। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नरकवासी थे ना? परंतु मनुष्यों में इतनी समझ नहीं। स्वर्ग, नरक, नई दुनिया, पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है? कुछ भी जानते नहीं। बाहर का भपका कितना है? तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं। बरोबर हमको बाप पढ़ाते हैं। हम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। यह पढ़ाई है, जैसे इंजीनियरी, बैरिस्टरी आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम घर बनाएंगे, फिर यह करेंगे। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंच घर में जन्म लेना है इस पढ़ाई से। जो जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना बहुत ऊंच घर में जन्म लेगा। राजा के घर में जन्म ले, फिर राजाई चलानी है। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा यह गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है। दूसरा, अगर दान पुण्य अच्छी रीति करे तो भी राजा के पास जन्म मिलेगा। वह हो गया हद का। यह है बेहद का। हर एक बात अच्छी रीति समझो। कुछ भी समझ में न आए तो पूछ सकते हो। नोट करो
यह बातें बाबा से पूछना है। मुख्य है ही बाप के याद की बात, बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। यह भी बच्चे जानते हैं, जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेते हैं। जो कोई बुरा कर्म करते हैं तो फिर ऐसा जन्म मिलता है, बाबा के पास आते हैं। कोई कोई को तो ऐसे कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। यह सब है पास्ट का कर्म बंधन। राजाएं भी कोई कोई ऐसे होते हैं, बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन नहीं, वहां है ही योग बल की रचना। जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं, तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता? पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है, वहां तो यह कॉमन बात है। खुशी में बाजे बजते रहते हैं, बूढ़े से बच्चा बन जाते, महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है, क्योंकि वह महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ है, विकारों को जानते हैं, छोटे बच्चे नहीं जानते। इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। वहां तो सब महात्माएं हैं, कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं। वह है सच्चा महात्मा। सतयुग में ही महान आत्माएं होते हैं, उन जैसे यहाँ कोई हो ना सके। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे, यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना? कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, वह अपने को ऊंच कुल के समझते हैं। वास्तव में यहाँ कोई ऊंच कुल तो है नहीं। ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं, वहां कुल आदि की बात नहीं होती। वहां तो एक ही देवताओं का कुल होता है, दूसरा ना कोई। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे सब आत्मा हैं। आत्मा है फर्स्ट, पीछे है शरीर। दुनिया में सब देही अभिमानी रहते हैं। तुमको अभी देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थ हैं, कितने ख्यालात रहते होंगे। इनको भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। बाप ने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है ना? ब्रह्मा है सबसे ऊंच, तो उनको छोड़ बाप किस में आएंगे? ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता। देखते हो ना इनको कैसे एडॉप्ट करता हूँ। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो और क्या जाने। कहते हैं यह तो जौहरी था, इनको तुम ब्रह्मा कहते हो। उनको क्या पता
इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसे पैदा होंगे, एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है, यह बहुत गुह्य बातें हैं ना। यह ब्रह्मा व्यक्त वह अव्यक्त, यह पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते, यह कहते हैं मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, ऐसा पवित्र बन रहा हूँ, प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से आए। बाप खुद समझाते हैं, मैं पतित शरीर में आता हूँ, जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे, सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे, वहां प्रजा क्या करेगी। यह इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं, जैसे यह भी पुरुषार्थ करते हैं वैसे तुम पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो, विश्व के मालिक बनते हो ना। स्वर्ग अलग नरक अलग हैं, अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, 5000 वर्ष पहले की बात है जबकि इनका राज्य था, वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। ये बातें समझेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम देखते हो यहाँ मुसलमान पारसी आदि सब आते हैं, खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं, वंडर है ना। समझो कोई सिख धर्म के हैं, वह भी बैठ राजयोग सिखलाते हैं, जो कन्वर्ट हुए हैं वह फिर ट्रांसफर हो देवता कुल में आ जाएंगे। सैपलिंग लगता है तुम्हारे पास क्रिश्चियन पारसी भी आते हैं, बौद्धी भी आएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब समय नजदीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा, एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे, सबको स्मृति आ जाएगी हमारा सच्चा धर्म यह है, जो हमारे धर्म के होंगे वह सब आएंगे तो सही ना, लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाप बैठ समझाते ही तुम कल देवता थे, अभी फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो, तुम सच्चे सच्चे पांडव हो, पांडव अर्थात पंडे, वो है जिस्मानी पंडे, तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडे, तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो, यह नशा तुमको बहुत होना चाहिए। हम बाप के पास जाते हैं जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है, वह हमारा बाप टीचर भी है, इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं, यह तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए, वास्तव में यह समझने की बात है। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए यह पेंसिल आदि उठाते हैं, बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं, बाप लिखते हैं रूहानी बच्चे, बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाबा, वह बहुत ऊंच ते ऊंच है, उनकी मत पर चलना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, उस भूत के वश मत हो, पवित्र बनो, बुलाते भी हैं हे पतित पावन,
तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की, जो कोई जीत पाना सके। तुम कितने सुखी बनते हो, तो इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। हमको बादशाही मिलती है, तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान किसको कहा जाता है, यह भी किसको पता नहीं है। आत्मा पुकारती है, ओ बाबा, तो मालूम होना चाहिए ना, वह कब और कैसे आएंगे। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि, मध्य, अंत, ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। जानने से तुम देवता बन जाते हो। ज्ञान है ही सदगति के लिए। इस समय है कलयुग का अंत, सब दुर्गति में है। सत्युग में होती है सदगति। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सर्व की सदगति करने, सबको जगाने आए हैं। कोई कब्र थोड़े है, परंतु घोर अंधियारे में पड़े हैं, उनको जगाने आते हैं। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं, उनको अंदर खुशी बहुत होती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई किस्म का फर्क नहीं है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, रोने का नाम नहीं। यह है रोने की दुनिया, वह है हर्षित रहने की दुनिया। उन्हों के चित्र देखो, कैसे शोभनीक हसमुख बनाते हैं, वह फीचर्स तो यहाँ निकाल न सके। बुद्धि से समझते हैं, इन जैसे फीचर्स देखने में आते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को अभी स्मृति आई है कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक को, इस भंबोर को आग लगनी है। सिविल वॉर में भी एक दो को मारते कैसे हैं, किसको हम मारते हैं, वह भी पता नहीं पड़ता है। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलाव है, जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं, वैसे भक्ति का फैलाव है। बीज है ज्ञान, बीज कितना छोटा है, बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है, यह तुम जानते हो। यह वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है, दुनिया में एक भी नहीं जानते। अब बच्चों को बहुत मेहनत करनी है बाप को याद करने की, तो विकर्म विनाश हो। वह गीता सुनाने वाले भी कहते हैं मन मनाभ, सब देह के धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़े ही समझते हैं। वह है ही भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। यह राजधानी स्थापन हो रही है, फिक्र की कोई बात नहीं।
जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाकी जो यथार्थ जान पुरुषार्थ करते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। यह बुद्धि में समझ है ना? हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। तुमको तो हजार बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। कोई भी बात में कभी रूठना नहीं है। ब्राह्मणी से नहीं बनती है, बाप से रूठते हैं। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना, उनको तो प्यार से याद करो। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम घर आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। दूसरा, अपनी अवस्था को एकरस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। वरदान, बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजड़ा है। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजड़े में बंद है। अभी पिंजड़े की मैना से फरिश्ते बन गए, इसलिए कहां जरा भी बंधन न हो। मन का भी बंधन नहीं, क्या करूं कैसे करूं, चाहता हूं होता नहीं, यह भी मन का बंधन है। जब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त। सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। स्लोगन, संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.